भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के सहयोग से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा विकास नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में 135 स्कूलों के 350 छात्र छात्राओं ने 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर रेस, ऊंची व लंबी कूद, चक्का फेंक जैसे अन्य खेलकूद में भाग लिया। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पढ़ाई के अलावा खेलकूद के जरिए स्कूली बच्चे अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार इसमें भविष्य बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विजयी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं खेल में जा रही हूँ और मेरा शॉट पुट है। मैं अंडर 19 में खेलती हूँ और खेलकूद बहुत जरूरी होता है। इसमें शारीरिक विकास होता है और खेलकूद से हमारी जो बॉडी होती है वो फिट होती है और हम अच्छे से इसमें मतलब हमारा स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है और हम बीमार कम ही पड़ते हैं। खेलकूद सभी के लिए जरूरी होता है, ये नहीं है कि बस पढ़ाई भी, खेलकूद भी, हर चीज जरूरी होती है। तो भारतीय उत्तर समिति की ये 36वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता है और विद्या भारती द्वारा संचालित भारतवर्ष के प्रति राष्ट्रभाव की जागरण होता है। उसके साथ साथ हर विद्यार्थी स्वस्थ रहे, सबल रहे, इसके लिए खेल की प्रतियोगिताएँ होती है। मुझे खुशी है कि लगातार 36वें कार्यक्रम के बाद जहाँ अपनी को प्रतिभाएँ विद्या भारती के शिक्षण संस्थान को निकल कर आगे बढ़ी है, आज इस समय मुझे आने का अवसर मिला और मैं बहुत प्रभावित हूँ। सारे विद्यार्थियों द्वारा जिस प्रकार से खेल की प्रतियोगिता में और सबल प्रदर्शित करते हुए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, सबके ऊपर शुभकामनाएं।